Hey guys, welcome to my next vlog. सबसे पहले मेरा नया लुक देखिए और कमेंट में बताइए आप लोगों को मेरा ये लुक कैसा लग रहा है. अभी जस्ट मैंने दो दिन पहले बाल काट के आया, शेविंग करके आया. तो कम बैक टू द पॉइंट, आज मैं आया हूँ हुक्का फॉल्स. हुक्का फॉल्स इज अ प्लेस इन टापू. यहाँ से मैं बाद में जाऊँगा टापू लेक, फिर जहाँ पे मैंने बंजी की थी वो स्पॉट पे जाऊँगा. ये एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा सडनली प्लान बन गया है मेरा कि चलो हुक्का फॉल चलते हैं, सुबह उठा कर देंगे, कुछ नहीं था तो आ गया मैं हुक्का फॉल्स. पहले भी आ चुका हूँ, हद से ज़्यादा सुंदर जगह है, हद से ज़्यादा सुंदर जगह है ये. तो आप लोग भी मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में और इन्जॉय कीजिए आने वाले नज़ारों को, टापू लेक को और जहाँ पर मैंने बंजी की वहाँ पर वो वाली जगह को. और अगर आपको मेरा बंजी का वीडियो देखना है तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा और मैं ये वीडियो में उसका शायद तो लिंक भी डाल देता हूँ. और एक बात, लुक कैसे लग रहा है कमेंट सेक्शन में लिख के बताने को भूलना मत. तो ये है वाइकाटो रिवर. पता नहीं मेरे को अभी आपका आवाज कितना लाउड सुनाई देगा मेरा, पर यहाँ पे पानी का आवाज बहुत ज्यादा है इससे मैं थोड़ा लाउडली बोल रहा हूँ. तो ये है वाइकाटो रिवर जिसके ऊपर ये हुक्का फॉल बना है. एक्चुअली आप देख सकते हैं पीछे काफ़ी चौड़ा है, एकदम से नैरो पैसेज है, पानी का फ्लो बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर में है और ये पानी का कलर बहुत ही ज़्यादा ब्लू है ये पानी का कलर. तो यहाँ से बहते हुए ये पानी जाता है आगे और आगे है एक्चुअल में हुक्का फॉल्स ये पैसेज. और अब आगे भी देख सकते हैं कि पानी कितना शांत हो गया है. तो जाते हैं मेन स्पॉट पे और देता हूं आपको वहां से एक बेहतरीन व्यू. Finally, it's time to reveal the Hukka Falls. So, guys, ये था Hukka Falls. अभी यहाँ से मैं जाऊँगा आगे Lake Tapuo. उसके बाद जहाँ पे मैंने बंजी की वो वाले स्पॉट पे और बैक टू टोरंगा. एक बार फिर से आप लोगों को दिखाई देता हूँ. तो गाइस मैं आ गया हूँ लेक टापू. बारिश हो रही है एक्चुअली यहाँ पे, इसलिए फटाफट जाऊँगा आपको एक व्यू दूंगा. क्लाउडी भी है यहाँ पे, तो देखता हूँ जितना आपको दिख सकता हूँ उतना दिखाऊंगा. तो आइए आप एंजॉय कीजिए लेक टापू का व्यू. मैं फटक करके वीडियो भी एंड कर दूँगा यहाँ पे. तो ये है टापू लेक जो किसी भी एंगल से लेक नहीं लगता. एक्चुअली मैं यहाँ पे आ चुका हूँ दो बार तो मुझे पता है कि कितना बड़ा लेक है, बट मेरी बीवी को कोई आइडिया नहीं था. मैं उसको बोला वो देख सामने जो दिख रहा है वो लेक है, बोलती है लेक है कि समुंदर है, ये एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा ह्यूज लेक है. सॉरी ज़्यादा मतलब अच्छे से दिखा नहीं पाया आप लोगों को, बारिश है यहाँ पे और मुझे मोबाइल और गिम्बल का भी थोड़ा टेंशन है. पर फिर भी थोड़ा टाउन में घूम रहा हूँ, अगर वहाँ पे कहीं से भी मुझे एक और अच्छा व्यू मिलता है 100% कवर करूँगा उसको आप सब लोगों के लिए.
अभी आप लोगों ने जो देखा मैंने इंडो चाइनीज फूड खाया, ये इंडियन डिलाइट करके रेस्टोरेंट है टापू में, एग्जैक्टली लेक फ्रंट पे है, वहाँ पे मैंने अभी खाना खाया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट था इसका। एक बार मैं आप सब लोगों को इसका इंटीरियर भी दिखाता हूँ। न्यूजीलैंड में आके पहली बार मुझे इतना अच्छा इंटीरियर मिला, इतना अच्छा इंडो चाइनीज़ फूड भी खाने को मिला। अगर आप न्यूजीलैंड आ रहे हो घूमने के लिए, टापू आ रहे हो, 100% इंडियन डिलाइट को विज़िट कीजिएगा, लेक फ्रंट पे ही है। सो गाइज, वो है इंडियन डिलाइट रेस्टोरेंट जहाँ पे मैंने लंच किया अभी, और ये है उसके एग्जैक्ट। सो गाइज, ये है टापू लेक। अभी मैं श्योर नहीं हूँ, जैसे मैंने अभी इंडियन डिलाइट जो रेस्टोरेंट में मैंने लंच किया, मेन्यू कार्ड पे देखा फोटो, कि सामने आप जो गैप देख रहे हो वहाँ पे शायद माउंट रापी वो भी दिखता है। इट्स अ स्नो माउंटेन, बट अभी तो बादलों से ढका है तो कुछ बोल नहीं सकते। क्या नज़ारा है, मतलब देसी खाना और ऐसा नज़ारा, ज़िंदगी में और क्या चाहिए। सो दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ टापू, उसके बाद घर पे। ये है आलसी बिल्ली। सो गाइज, ये है वो बंजी स्पॉट जहाँ से मैंने बंजी जंप किया था, अनफॉर्चुनेटली अभी क्लोज है, बट आप एक बार देखिए कि क्या व्यू है ये। अगर आप बंजी भी ना करो चलेगा, पर ये व्यू के लिए ना एक बार तो यहाँ पे आना ही आना है, कुछ भी हो जाए। छह तो वहां पे जो केबिन दिख रहा है वो है बंजी के लिए, और यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये है स्काई स्विंग के लिए। सो गाइस, इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ। इट वॉज अ रियली गुड शॉर्ट एंड अनप्लैंड टूर टू द टापू। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डू लाइक कमेंट एंड शेयर द वीडियोज विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एक बात और, अगर आप चैनल पे नए हो तो बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ आप सब लोगों को नोटिफिकेशन मिले। और मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ कि लास्ट संडे मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। तो बस आज के लिए इतना ही।